हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, फाइनली एसएससी सीएचएसएल 2018 का जो आपका टायर वन का एग्जाम कंडक्ट हुआ था जुलाई 2019 में डिफरेंट स्टेट के अंदर, तो फाइनली उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो एसएससी ने अभी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक जो है वो एक्टिवेट कर दिया है। जैसा कि आप यहां पे क्लियरली देख पा रहे हैं, सेपरेट लिंक यहां पे ऑफिशियल आंसर को चेक करने के लिए रहेगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेपरेट विंडो यहां पे ओपन होकर आ जाएगी। उसके बाद आपको यहां पे अपना लॉगिन करना है लॉगिन डिटेल्स के साथ। उसके बाद आपके यहां पे ऑफिशियल आंसर की जो है वो यहां पे डिस्प्ले होकर आ जाएगी और उसके बाद आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि जो आपने टायर वन का एग्जाम दिया था उसमें आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे कितने मार्क्स आप यहां पे स्कोर कर रहे हैं। रिजल्ट आने से पहले आप यहां पे प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि आप यहां पे जो फाइनल इसका प्रेडिक्शन कट ऑफ रहेगा जो कि हम डिस्कस करेंगे उसमें फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट आने से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि आप यहां पे टायर वन के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कैसे आप अपनी ऑफिशियल आंसर की को चेक करेंगे जो आपने सीएचएसएल टायर वन 2018 का एग्जाम दिया था और इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, जो टेंटेटिवली डेट एसएससी ने डिक्लेयर की थी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसका जो एसएससी सीएचएसएल 2017 का टायर वन का कट ऑफ गया था वो कितना गया था और इस बार कितना जा सकता है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ऑफिशियल आंसर की जब आप चेक करते हैं और आपको वहां पे लगता है कि आपका आंसर सही है लेकिन यहां पे ऑफिशियल आंसर की में गलत किया, तो उसके लिए आप यहां पे ऑब्जेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे ऑब्जेक्शन को क्रिएट करना है वो भी फ्रेंड्स हम इस वीडियो में डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कैसे आपको यहां पे अपनी आंसर की को चेक करना है। तो फ्रेंड्स, ऑफिशियल आंसर की को चेक करने का यहां पे सेपरेट लिंक रहेगा जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो ये लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उस लिंक में प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो यहां पे ओपन होकर आ जाएगी। उसके बाद आपको यहां पे अपने लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन करना है। तो लॉगिन डिटेल्स आपको कहां से मिलेंगी, जब आप इसका एग्जाम देने के लिए गए थे तो जो आपका एडमिट कार्ड था उस पे आपकी यूजर आईडी होगी, वो यूजर आईडी आपको यहां पे डालनी है। और उसके बाद पासवर्ड, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहा है उसके बीच में आपने कोई भी स्लैश नहीं डालनी है, डेट मंथ और ईयर के बीच में डायरेक्टली आपको डेट्स यहां पे लिखनी है, वो आपका पासवर्ड रहेगा। उसके बाद आपको यहां पे फ्रेंड्स कर देना है लॉगिन। तो जब आप यहां पे लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आपके पास यहां पे ऑफिशियल आंसर की जो है वो डिस्प्ले होके आ जाती हैं। तो एक कैंडिडेट की हमारे यहां पे पास लॉगिन डिटेल्स हैं तो उसके लॉगिन डिटेल्स यहां पे फिलअप कर लेते हैं। सिमिलरली आप यहां पे अपनी लॉगिन डिटेल्स फिलअप करके यहां पे कर देंगे लॉगिन। तो मैं यहां पे लॉगिन डिटेल्स को फिलअप कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पे लॉगिन डिटेल्स फिलअप हो चुके हैं। उसके बाद आप यहां पे सिमिलरली ऐसे ही डिटेल्स को फिलअप करके कर देंगे लॉगिन। तो लॉगिन करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं विंडो यहां पे ओपन होके आ चुकी है। यहां पे आप इसको कर देंगे क्लोज और यहां पे आंसर की को जनरेट करने के लिए आपको यहां पे क्लिक हियर टू जनरेट कर लेना है। और ऑब्जेक्शन कैसे क्रिएट करनी है, ऑब्जेक्शन व्यू पे आप यहां पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे और आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगती है वो आप यहां पे उसकी जो आईडी है वो वहां से सिलेक्ट करके यहां पे उसकी जो ऑब्जेक्शन है वो क्रिएट कर सकते हैं। 100 रुपीज आपको यहां पे फीस जो है यहां पे करनी पड़ेगी ऑब्जेक्शन को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद यहां पे ऑफिशियल आंसर की को कर लेंगे। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो आपके डिफरेंट सेक्शन, 4 सेक्शन आपकी थी और टोटल आपका 200 मार्क्स का एग्जाम था टायर वन सीएचएसएल 2018। तो यहां पे डिफरेंट सेक्शन वाइज यहां पे आंसर की यहां पे अपडेट हो चुकी है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का यहां पे जो ग्रीन कलर में है ये इसका सही आंसर है और यहां पे कैंडिडेट ने इसका आंसर नहीं दिया है। सिमिलरली आप यहां पे सेकंड देख सकते हैं, सेकंड का यहां पे ग्रीन कलर में इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है और चूजन ऑप्शन भी इन्होंने 1 किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन का इनका आंसर जो है वो सही है। तो इस तरीके से आपको यहां पे अपने जो आंसर की है वो चेक करनी है और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो डायरेक्टली अपने फोन में और उसको फिर ऑफलाइन चेक भी कर सकते हो। कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं 5th का यहां पे जो इसका
आंसर रहा है वो चार रहा है, और इन्होंने भी यहाँ पे जो ऑप्शन है वो चार ही चूज किया है, ये भी इनका फ्रेंड्स सही हो चुका है। तो आप यहाँ पे कंप्लीट जो उसके 100 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन दो नंबर का, आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन वाइज चेक कर लेंगे कि आप यहाँ पे कितने मार्क्स को स्कोर कर रहे हैं। जितने भी मार्क्स आप स्कोर कर रहे होंगे आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है टू के साथ, और नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके कैसे मार्क्स को कैलकुलेट करना है वो हमने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से फ्रेंड्स डिस्कस कर लिया था। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां पे देख लेंगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं वो डाल के, प्लस इसकी जो नेगेटिव मार्किंग थी 0.5 वो इंक्लूड करके आप यहां पे कितने मार्क्स को स्कोर कर पा रहे हैं और कट ऑफ में फॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो आप वहां पे अच्छे तरीके से फ्रेंड चेक कर लेंगे। कट ऑफ में आपको बता देता हूं कितना जा सकता है, और 2017 का टायर 1 CHSL का कितना कट ऑफ गया है वो भी हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए डायरेक्टली आपको यहां पे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रिंट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एज अ PDF जो सारी आपकी फाइल्स रहेंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PDF, यहाँ पे आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जितना भी आपका कंप्लीट 100 नंबर का पेपर था वो उसकी जो आंसर की है वो आपके मोबाइल में एज अ PDF जो वो फ्रेंड्स डाउनलोड होकर आ जाएंगे। यहाँ पे आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव हो चुके हैं। आप अपने फाइल मैनेजर में अपनी जो ऑफिशियल आंसर की है टायर 1 CHSL 2018 की वहाँ पे अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने वहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं और कितने आपके वहाँ पे फ्रेंड्स सही हुए हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी आंसर की को चेक करना है और मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करना है वो आप उस वीडियो में अच्छे तरीके से फ्रेंड्स देख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते CHSL का कट ऑफ गया है टायर 1 का 2017 का, वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो कट ऑफ है वो यहाँ पे रहा है। जनरल का आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 में से आज का जो कट ऑफ है वो आपका 143.50 मार्क्स यहाँ पे गया हुआ है। OBC का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, SC और ST का भी सिमिलरली यहाँ पे जो कट ऑफ है 2017 टायर 1 का गया है, और इस साल आपका जो कट ऑफ है 2018 का टायर 1 का वो आपका इससे हायर ही जाएगा। तो वो आप प्रेडिक्शन इसके लगा सकते हैं कि 200 में से इसका जो कट ऑफ है वो 143 प्लस ही जाएगा, 145 147। तो जितना भी इसका ऑफिशियल कट ऑफ जाएगा वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जब इसका जो कट ऑफ है ऑफिशियल SSC अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर फ्रेंड्स जनरेट करेगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो टेंटेटिवली देख सकते हैं। 11 सितंबर 2019 को टेंटेटिवली जो डेट है यहाँ पे SSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर की थी कि जो SSC CHSL टायर 1 का रिजल्ट है वो इस डेट को यहाँ पे टेंटेटिवली फ्रेंड्स आ जाएगा। इस डेट के बाद या फिर इस डेट को जो रिजल्ट है टायर 1 का वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो जैसे ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू अच्छे तरीके से बता दूंगा कैसे आपको वहां पे अपने जो मार्क्स है वो चेक करने, डायरेक्टली आपको वहां पे मिल जाएगा कि आपके जो मार्क्स है वो अपलोड हो जाएंगे जब इसका रिजल्ट जो है वो फ्रेंड्स डिक्लेयर होगा। तो इस तरीके से आपको जो अपनी आंसर की है वो चेक करनी है, और यहां पे आप प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि आप इस कट ऑफ में फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट आने से पहले आपको यहाँ पे अपने जो रिजल्ट की प्रिडिक्शन यहाँ पे पता चल जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे आंसर की को चेक करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे विद इन सेकंड्स में रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी आने वाली हर अपडेटेड वीडियो के साथ अपडेट रहें। फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।